जब ब्रोकर्स एडवर्टाइज करते हैं कि उनके इक्विटी डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज है, इसका मतलब सिर्फ ब्रोकरेज जीरो है, बट बाकी चार्जेस आर स्टिल देयर और वो आपके बैलेंस में से कटते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता है। जरा ये देखो जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इसमें आप इक्विटी इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसीज एंड कमोडिटीज, हर चीज के चार्जेस को अलग से देख सकते हो। इसमें मैंने खुद का एग्जांपल बनाया। बाय प्राइस मैंने डाला 1000 रुपए, सेलिंग प्राइस डाला 1100 रुपए और मैंने 10 शेयर्स को ट्रेड किया इंट्राडे में, तो उसके चार्जेस में ब्रोकरेज होगा ऑफ कोर्स एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी एंड जीएसटी। सेम एग्जांपल अगर मैं इक्विटी डिलीवरी में देखूं यानी शेयर्स को कुछ दिन होल्ड करने के बाद बेचूंगा तो ब्रोकरेज जीरो लगेगी, बट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपका 7 गुना हो जाएगा और उसके साथ साथ एक नया चार्ज और इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसे बोलते हैं डीपी चार्ज, जो आपका सीडीएसएल चार्ज करता है। तो इसको ढंग से समझने के लिए आप जरा कॉन्ट्रैक्ट नोट पर क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि अगर आपका 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 960.7 रुपीज आप अपने घर ले जा सकते हो और बाकी सारे चार्जेस का ब्रेक डाउन आपको उसके जस्ट नीचे दे रखा है। बाय द वे चार्जेस पर फुल वीडियो डिटेल में मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक पिन कमेंट में है, चेक जरूर करना।